संघर्ष की श्लोक निरंतर पार्लियामेंट के माध्यम से पूरे देश में उठाता है, हम जलाता है। 4.5 साल एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैंने हरियाणा प्रदेश के एक एक अहम मुद्दे को, जो कि एक विपक्ष में होते हुए व्यक्ति को उठाने चाहिए, मैंने सदन के फ्लोर पे उठाने का काम किया। चाहे वो किसान के ट्रैक्टर की बात हो, चाहे टीचरों के पक्के होने की बात हो, हर प्रकार से उन विषयों को उठाया। मगर दुख होता है कि जब हम प्रदेश के जुड़े हुए मुद्दों को आपके माध्यम से उठाते हैं, चाहे वो दवाई का हो, चाहे वो छात्र संघ चुनाव का, आज तक उन मुद्दों को विधानसभा के पटल में हमने उठते नहीं देखा। कई बार तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पर बीजेपी की भाषा बोली जाती है। देखिए, जहाँ तक दूसरी पार्टी अंदरूनी लड़ाई है या परिवार की आपसी लड़ाई है, इसके बारे में मैं कभी किसी दूसरी पार्टी के बारे में टिप्पणी नहीं करता। लेकिन एक बात जो मैंने कही थी, जो 2 साल पहले कही थी मैंने, वो सच्चाई सत्य होती जा रही है। मैंने कहा था ये पार्टी जो इनेलो पार्टी है, इसका चेहरा पब्लिक में बेनकाब हो चुका है और असलियत बाहर आ चुकी है कि ये जनहित के लिए नहीं, ये स्वार्थ के लिए पार्टी है। और इसका जो डिमिनिशिंग कैडर है, जब तक चुनाव आएंगे इसका अस्तित्व जो है वो धरातल में लग जाएगा। हरियाणा के लोगों ने तो इनेलो को मुख्य विपक्षी दल चुन के भेजा है, लेकिन जो उनका व्यवहार रहा है असेंबली का आप देखेंगे तो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है।